सियासत में बाहुबल और सत्ता का पुराना नाता रहा है। यही वजह है कि चुनाव आते ही सियासी दल बाहुबली के सारे सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्तार अंसारी के चुनाव लड़ने की खबर चर्चा में है। इसी के बीच माफिया के बेटे अब्बास ने बताया कि मुख्तार 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। दरअसल गुरुवार को मुख्तार से मिलने के लिए दोनों बेटे बांदा मंडल कारागार पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। बता दें कि बाहुबली विधायक बांदा जेल में बंद है। ये सरकार सोचती है कि इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन कर दें अगर तो इंसान परेशान हो जाएगा, मगर ये सरकार ये बात नहीं समझती है कि ये देश ये वो देश है जो उन अंग्रेजों से लड़कर बाहर निकला जिन्होंने देश के लोगों का मौलिक अधिकार का हनन किया, और हम उस परिवार से आते हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के इस देश की आज़ादी कराई। तो इसलिए ये सोच तो है इनकी कि ये हमको प्रताड़ित करेंगे, दो घंटा चार घंटा बैठाएंगे तो हम प्रताड़ित होकर वापस लौट जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। जो कानून है, कानून में हमारी आधा घंटा 25 मिनट जो मुलाकात है उसका तो ये रोक नहीं सकते हैं कहीं से भी, तो वो मुलाकात इनको हमसे करानी पड़ती है। क्या पापा चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा और सत्ता बदली जाएगी, अब काम खत्म, समझे? 22 में काम। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.